प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये रहा, इसको आप लोग नोट कर लोगे, और 6 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो दोनों ही प्रश्नों को आप लोग नोट कर। तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एमपी बोर्ड भोपाल के द्वारा जारी किया गया कक्षा 12वीं का आपका हिंदी विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आप सभी को प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो आप ये समझिएगा पूरा का पूरा आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये बात आप भी भली भांति जानते हैं कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा के पेपर होते हैं यानी कि जो बोर्ड परीक्षा के पेपर होते हैं ना वो बिल्कुल मॉडल पेपर के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आप सभी लोग एक एक बार इन मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बनाकर जरूर देख लें और उनको अच्छे से याद भी कर लें। इससे ये होगा प्यारे विद्यार्थियों कि आपके मन से बोर्ड परीक्षाओं का डर निकल जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा बोर्ड परीक्षाओं का उसमें कौन सी जगह पर कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जा रही है। तो चलेगा बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 12वीं का आपका हिंदी विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर कैसा है और आप सबको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट करना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, साथ ही साथ में इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को देख लिया यहाँ तक कि। प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं अथवा वाले प्रश्न का उत्तर भी बताऊंगा, एक भी आपका अथवा वाला प्रश्न भी यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका हिंदी विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको प्यारे विद्यार्थियों इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों निर्देश वगैरह यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनको आप लोग पढ़ लें और देखिएगा आपका जो पेपर होगा ना टोटल आपका 80 नंबर का ही पेपर होगा। इसमें कुछ भी बदलाव अभी तक नज़र नहीं आया है, बीच में खबर आई थी कि कुछ चेंजेस एमपी बोर्ड के द्वारा किए गए हैं मगर ऐसा कुछ भी इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि अब आपका जो वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा ना ये पिछले साल जैसे पेपर हुए थे उनके जैसा होगा, इसमें कोई भी चेंजेस अभी नहीं किया गया है। तो चलेगा हम जल्दी से इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर आपको सही विकल्प दिए गए हैं, हम सही विकल्पों के सॉल्यूशन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया। तो देखो छोटा मेरा खेत कविता जो है ना इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था यहाँ से आप सभी लोगों को लिख लेना है और इसको पूरा समझ लेना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया है छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों छोटा मेरा खेत जो कविता है ना इसको हिंदी में किसने लिखा यानी कि किसने ट्रांसलेट किया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा भोला भाई पटेल। तो देखिएगा वैसे तो ये जो हिंदी गुजराती कविता है छोटा मेरा खेत जिसके कि लेखक कौन है उमा शंकर जोशी, तो आप लोग इसको ये मत लगाया ना क्योंकि उमा शंकर लेखक है मगर इसको हिंदी में किसने बनाया है भोला भाई पटेल और रघुवीर चौधरी ने इसको हिंदी में रूपांतरित किया था। तो का नंबर का इसका राइट आंसर होगा कौन सा वाला लगा कर आना आपको ये वाला। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कवित्व जो छंद होता ना उसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं 31 वर्ण होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बाण भट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है ना उसके लेखक कौन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो यहाँ से आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं इनको देखते हैं अगले क्वेश्चन को चौथे नंबर का वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं। तो देखो जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं ना उनको कैसा शब्द कहते हैं, तो देखो इसको कहते हैं क्षेत्रीय शब्द। ओके उसके बाद में अगला क्वेश्चन कहानी का शीर्षक जूज का अर्थ होता है, तो देखो जूज का अर्थ होता है संघर्ष, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। छठा क्वेश्चन संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है, तो देखिएगा संवाददाताओं के बीच में जो काम का विभाजन होता है ना उसे बीट कहते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को बीट नोट कर लेना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते और समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर से आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख ले, प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति दी गई है, यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थान को देख लेंगे और पूरा इसको समझ भी लेंगे। तो देखो पहला प्रश्न लिखा है यहाँ पर रघुवीर साई की कविता कैमरे में बंद अपाइज उनके काव्य संग्रह की है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना है किसकी है ये, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लोग भूल गए हैं, किसकी है ये लोग भूल गए हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भाषा की रचना है, तो देखो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप किस भाषा की रचना है, तो देखो यहाँ से आप लोगों को लिखना है ये अवधी भाषा की रचना है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। तो देखो कौन से अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है आपको बताना है। मगर इसके पहले देखो यहाँ पर आपसे ये जो पूछा गया था दूसरे नंबर का, इसका राइट आंसर तो ये था। तीसरे में आपको लिखना है, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या आ जाएगा, संदेह। यहाँ पर आपको संदेह लिख लेना, संदेह अलंकार में अनिश्चित स्थिति बनी रहती है। और उसके बाद में चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, शेर के बच्चे का वास्तविक नाम क्या था। तो देखिएगा शेर के बच्चे का नाम वास्तविक नाम था चांद सिंह। यहाँ से आप लोगों को इसको नोट कर लेना है, क्या नाम था उसका, चांद सिंह। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, यदि आप सो जाए तो आपका आराम, आपको आराम मिलेगा। देखो ये किस प्रकार का वाक्य प्रयार विद्यार्थी, तो देखिएगा ये आपका मिश्रित वाक्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यशोधर बाबू मूलता के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, वो कुमाऊँ गाँव के रहने वाले थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है देखिएगा, समाचार लेखन की शैली होती है। तो देखो समाचार लेखन की शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली, इसमें यह समाचार लेखन किया जाता है, तो ये इसका उत्तर होगा। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से देखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो देखिएगा सत्य असत्य आपको कैसे लिखने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर समावेश किया गया है। तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, सुदामा चरित्र महाकाव्य है, ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। उसके बाद में कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है, तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। उसके बाद में उसने मेरे को कुछ नहीं कहा शुद्ध वाक्य है, तो देखो ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण प्रयोग किए जाते थे, तो देखो ये भी सत्य होगा आपका। रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है, छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी आपका असत्य होगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से सत्य असत्य वगैरह देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये यहाँ पर आपको दिया गया है, जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहले नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा, रुबाइया की जोड़ी किससे मिल जाएगी आपकी, फिराक गोरखपुरी से। उसके बाद में क्रोध की जोड़ी किससे मिलान करनी है आपको, चार नंबर से, जिसमें कि लिखा है रौद्र रस, इसमें कौन सा रस होता है, रौद्र रस। खरीदने की शक्ति को क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति कहते हैं। वह कहाँ गया, तो देखो वह कहाँ गया ये किस प्रकार का वाक्य है, तो देखिएगा ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य होगा। 700 कुएं की जोड़ी किससे मिल जाएगी आपकी, यहाँ से आपको इसकी जोड़ी का मिलान करना है। पाँच नंबर की जोड़ी का मिलान होगा किससे, देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देखते चलें, पाँच नंबर पे जो दे रखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता से। अभिनेता की जोड़ी का मिलान किससे होगा, नाटक से। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को देख लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लें, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं एक शब्द या एक वाक्य में। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो तुलसी जी ने रावण की तुलना किससे की है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी तुलसी जी ने रावण की तुलना किससे की है, दरिद्रता से की है। किससे, दरिद्रता, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लो। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा है, जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना है, सांग रूपक अलंकार होता है। क्या लिखना है यहाँ से आपको, सांग रूपक। इसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना अलंकार, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा नोट कर लें, इसको सांग रूपक अलंकार ऐसी स्थिति में होता है। उसके बाद में देखो ये मैंने आपको बता दिए सभी के सभी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी बाजार दर्शन जो पाठ है ना, इसके लेखक होंगे जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ से आप लोग देख लें, जैनेन्द्र कुमार इस पाठ के लेखक है, तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, भक्तिन के पिता का नाम क्या था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी भक्तिन के पिता का नाम था सूरमा। क्या नाम था उसका, सूरमा नाम था भक्तिन के पिता का। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मुहावरा पेट पूजा करने का क्या अर्थ है। तो देखिएगा मुहावरा जो है ना, पेट पूजा करना, इसका अर्थ होता है भोजन करना। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, भोजन करना, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद में अगला देखते हैं, आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था। तो देखो आनंद यादव की जो कक्षा थी ना, उसका मॉनिटर जो था ना, उसका नाम था वसंत पाटिल। क्या नाम था उसका, वसंत पाटिल। यहाँ से आप लोगों को नोट कर लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है देखिएगा, अपने प्रदेश के कोई दो लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिखनी है नई दुनिया, एक तो कौन सा हो जाएगा, नई दुनिया, और दूसरा आप लोग लिख सकते हो पत्रिका या फिर दैनिक भास्कर, जो भी आप लोग लिखना चाहे, ठीक है।
उसके बाद में देखिएगा, अब मैं आपको प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ, यहाँ तक कि आपको अथवा वाले प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद जरूर कर लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग अच्छे से परीक्षा के पैटर्न को समझ सके। तो पहले आप लोगों को मैं पूरा क्वेश्चन पेपर बता देता हूँ, ये आप चाहे तो एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका, यहाँ से आप लोग देख लें इसको। इतने सारे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, प्रश्न नंबर 19 लिखा है, बाकी के क्वेश्चन ये दिए गए, 20वां क्वेश्चन ये लिखा है, 21वां ये लिखा है, 22वां और 23वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो देखिएगा, यहाँ से मैंने आप सभी को पूरा का पूरा पेपर बता दिया। आप चलिएगा देखते हैं शुरुआत से ही इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रही आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन को देख लें आप लोग, वैसे मैंने आपको बताए दिए थे, तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को इनको नोट कर लेना था। रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार से आपको बतानी थी, तो ये भी आप लोगों ने नोट करवाए दिए मैंने आपको, इस प्रकार से आप सभी लोगों को इनको देख लेना था। प्रश्न नंबर 3 में आपसे जो सत्य असत्य पूछे गए थे उनको इस प्रकार से आपको लिख ही देना था। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको जोड़ी का मिलान दिया गया है, तो जोड़ी का मिलान आपको इस प्रकार से पूरा कर ही लेना था, जो कि मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के अक्षर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखने हैं। तो देखो इसमें दरिद्रता, इसमें सांगरूपक आ जाता है, इसमें आपका जैनेन्द्र कुमार, अभी अपन ने देखी सही इनको, और इसके बाद में भक्तिन के पिता का नाम सूरमा, मुहावरा पेट पूजा करने का अर्थ भोजन करना होता है, वसंत पाटिल आनंद यादव की कक्षा का मॉनिटर वसंत पाटिल था। इस प्रकार से आप सभी लोगों को इसको देख लेना है। आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, हम यहाँ से समझते हैं प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये रहा, इसको आप लोग नोट कर लोगे, और 6 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो दोनों ही प्रश्नों को आप लोग नोट कर लो, ये भक्ति काल की 4 विशेषता लिखी गई है, वैसे 2 पूछी हो, 3 पूछी हो, 4 पूछी हो, आप लोग यहाँ से इसको देख लें। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 7 जो लिखा ना, उसका उत्तर ये दिया गया है, यहाँ से आप पूरा इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको यहाँ तक का नोट कर लेंगे पूरा A to Z। उसके बाद में अगला अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 7 का जो अथवा वाला प्रश्न है ना, उसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग 7 के अथवा वाले प्रश्न को भी देख लें। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें पूरा का पूरा और इसको याद कर ले पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपसे ये अथवा में जो प्रश्न पूछा गया था ये वाला है, भाषा को सहूलियत से बरसने से क्या आशय है लिखिए, इसमें काव्यगत विशेषता लिखिए। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से शुरुआत इसकी हो चुकी है, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आप लोग देख लो और इसको पूरा लिख लो, ये यहाँ पर ख़त्म होता है पूरा। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 जो है ना, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है, तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 9 का पूरा उत्तर देख लो और पूरा इसको याद कर लोगे, 101% आपके पेपर में ऐसा कैसे पूछा जाएगा ये। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 का अथवा वाला जो प्रश्न है ना, उसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसे भी आप लोग देख लो पूरा और समझ भी लो इसको। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 10 जो होगा ना, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये पूछा गया आपसे, भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है, तो यहाँ से आप लोग लिख लो भारतेंदु युग के निबंधों की 2 विशेषताएं। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी, उसका जो अथवा वाला प्रश्न है ना, उसमें कि आपसे द्विवेदी युगीन निबंध की विशेषताएं पूछी गई है, तो यहाँ से आप लोग द्विवेदी युगीन निबंधों की विशेषताओं को नोट कर लोगे। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये 11वां क्वेश्चन लिखा है, 11वें क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेंगे और पूरा इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, उसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है ना, इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है, तो देखो इसका उत्तर ये लिखा, पूरा का पूरा आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। देख सकते हो ये पूरा का पूरा इसका उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है, तो ऐसे आप लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 जो है ना आपका, इसमें आपको क्या लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करना था, राधिका मुझे पानी पीना है, इसको प्रश्नवाचक बनाना था, तो ये प्रश्नवाचक रूप है इसका, पुलिस के आते ही चोर भाग गए संयुक्त बात वाक्य बनाना था, तो देखो पुलिस आई और चोर भाग गए, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा था, मैंने अनेकों स्थान देखे, तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने अनेक स्थान देखे, शुद्ध करना था इसको निर्देशानुसार। और उसके बाद में वे भाग्यवान स्त्री है, तो वे भाग्यशाली स्त्री है। उसके बाद में चरित्र की महिला अथवा सफलता की प्रथम पायदान का भाव पल्लवन कीजिए, तो देखो इसका आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका भाव पल्लवन करना है, तो यहाँ से आप लोग देख लो इसको, चरित्र की महत्ता है ये, सॉरी क्या है, चरित्र की महत्ता अथवा सफलता की प्रथम पायदान, इसके ऊपर आपको भाव पल्लवन करना है। तो भाव पल्लवन का मतलब होता है एक तरह से इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके यानी कि बड़ा करके लिखना होता है, तो देखो यहाँ पर इसकी भाव पल्लवन किया गया है चरित्र की महत्ता का, यहाँ से आप लोग देख लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, उसके अथवा में प्रश्न पूछा गया था आपसे,
श्रेष्ठ विज्ञापन लेखन के चार गुण आपको बताने। तो देखो यहाँ पर आपको श्रेष्ठ विज्ञापन लेखन के चार गुण दिए गए हैं, यहाँ से आप लोग देख लें। उसके बाद में देखिएगा पहले विद्यार्थी प्रश्न नंबर 14 जो लिखा है ना, 14 का पूरा उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ से आप लोग इसे देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसका अथवा में जो प्रश्न है ना उसका उत्तर ये लिखा है, देख सकते हो, जूझ कहानी में आपको किस पात्र ने सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों, उनकी कोई चार चारित्रिक विशेषता आपको लिखनी है। तो देखो एक तो किसने किया सबसे ज़्यादा प्रभावित, दत्ताजी राव ने, क्यों किया उसकी विशेषता आपको बतानी। एक तो समझदार व्यक्ति है, उसके बाद में दूसरा मददगार व्यक्ति है, उसके बाद में तीसरी विशेषता, दो ही पूछी थी वैसे तो दो भी लिख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, ये किस प्रकार की होती है। तो देखो इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख लेना था। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से देख सकते हो आप लोग, इसका अथवा वाला क्वेश्चन, कहानी लेखन के उद्देश्य क्या होते हैं, अच्छी कहानी की क्या विशेषताएँ होती है। तो इस प्रकार से आप सभी को इसका सोल्यूशन कम्प्लीट कर लेना था, मैंने यहाँ से आपको बता दिया। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 16वां क्वेश्चन ये लिखा है, कुंवर नारायण अथवा उमाशंकर जोशी का आपको जीवन परिचय लिखना था। तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है, दो रचनाएं लिखनी है, भावपक्ष और कला पक्ष लिखना है। तो देखो ये उमाशंकर जोशी का जीवन परिचय रहा जिसमें कि आपको रचनाएं लिखनी है, ये रचनाएं लिखी है, भावपक्ष ये लिखा गया है, यहाँ से आप लोगों को देख लेना पूरा का पूरा ये भावपक्ष है। उसके बाद में देखो कला पक्ष ये लिखा है, यहाँ से देख लें आप लोग। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 जो था ना, इसमें महादेवी वर्मा अथवा फणीश्वरनाथ रेणु का आपको जीवन परिचय लिखना था। तो देखो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या लिखा है जीवन परिचय में, यहाँ से आप लोग जीवन परिचय देख लें, ये रचनाएँ लिखी है और ये भाषा लिखी है, यहाँ से आप लोग देख लें, भाषा इस प्रकार से आपको लिख देनी है पूरी। और उसके बाद में देखो ये आपकी शैली लिखी है, तो ऐसे आप सब लोग इसको लिख लें। उसके बाद में देखो ये हिंदी साहित्य में स्थान दिया गया है। उसके बाद में देखिएगा 18वां जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको भी तो ही शब्द का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने थे। तो देखो एक तो ये हो गया ही वाला, आज आपको रुकना ही पड़ेगा, या होगा कल भी आपके साथ चलूँगा, इसमें भी आ गया और इसमें तो आ गया। तो ऐसे आप सभी लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अथवा में 18 के अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था, जीवन में पुस्तकों का महत्व विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें, जीवन में पुस्तकों के महत्व विषय पर अनुच्छेद ये यहाँ पर आपको दिया गया है, पूरा का पूरा अनुच्छेद यहाँ से आप लोग देख लेंगे और पूरा इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 19 जो है ना, 19 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 19 में एक आपको अपठित गद्यांश दिया गया था जिसके शुरू के वर्डिंग कुछ इस तरह से थी, संपूर्ण और लास्ट में थे कदम हैं। तो इसका यहाँ पर आपको दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक ये लिखा है। और उसके बाद में अपने गाँव नगर की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसे दे चाहिए, देशवासियों को। उसके बाद में अगला ये लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लें इसको। उसके बाद में देखो इसके अथवा में जो पूछा गया था, आ रही बसंत, तो देखो इसको कैसे करना है, उपयुक्त काव्य पंक्तियों का सार्थक क्या लिखना है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, ये इनके उत्तर हो जाएंगे, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लोगे पूरा का पूरा। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 जो लिखा ना, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग से काव्य सूत्र आपको लिखना। तो देखो नील डेड डेड डेस हो रहा है, इसका आपको संदर्भ प्रसंग से काव्यांश का करना था। तो देखो ये तो आपका संदर्भ लिखा है, ये प्रसंग लिखा गया है और ये व्याख्या की गई है। तो यहाँ से आप सब लोग व्याख्या को देख लेंगे और अच्छे से पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। और उसके अथवा में जो दी गई थी ना, रक्षाबंधन चमकती है, इसकी व्याख्या ये की गई है, संदर्भ ये लिखा है, प्रसंग ये लिखा गया है। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्या ये की गई है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो 21वां क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी थी। इसमें आपसे गद्यांश की व्याख्या पूछी जाएगी, पानी की आशा इंदर की सेना। तो देखो इसमें आपको संदर्भ कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर आपको संदर्भ दिया गया, ये यहाँ से आप लोग देख लें इसको। उसके बाद में देखो ये आपका प्रसंग लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो ये आपकी व्याख्या की गई है, तो व्याख्या को भी आप लोग देख लें पूरा यहाँ तक का। और उसके अथवा में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेवक धर्म बताती है। तो देखो संदर्भ ये लिखा है और प्रसंग ये लिखा गया है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्या ये की गई है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को इसको देख लेना था और पूरा इसको हल कर लेना था, जिस प्रकार से कि मैंने आपको बताया। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो 22वां क्वेश्चन था ना, जिसमें आपको एक वो पूछा गया था आवेदन पत्र, तो ये आवेदन पत्र लिखा है पूरा का पूरा, यहाँ से आप लोग देख लो इस प्रकार से, पूरा का पूरा आवेदन पत्र आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लो। और उसके अथवा में प्यारे विद्यार्थियों, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप अपनी छोटी बहन को पत्र लिखकर मोबाइल फ़ोन का सीमित प्रयोग किस प्रकार किया जा सके करना है, समझाइए। तो देखो यहाँ पर आपको पता डाल देना था,
जो भी डालना था इस प्रकार से। और उसके बाद में देखो जो पता इसमें दे रखा था, हो सकता है दिया कि नहीं दिया है, वो आपको यहाँ से आपको डाल देना था। और इस प्रकार से आपको लिखना था जो पता दिया इसको यहाँ पर डाल दो, और इस प्रकार से आपको ये पूरा का पूरा पत्र लिखना था जो कि मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो प्रश्न नंबर 23 था ना, उसमें आपसे निबंध पूछे गए थे। उन निबंधों में एक निबंध आपका पर्यावरण प्रदूषण का भी था, तो मैंने यहाँ पर आपको ये निबंध उपलब्ध करवाया है। आप लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हो। पर्यावरण प्रदूषण वाला पॉइंट आपको ऐसे लिखना है पूरा का पूरा, और प्रदूषण के प्रकार वाला पॉइंट ऐसे लिखना, वायु प्रदूषण यहाँ से आप लोग देख लें, जल प्रदूषण वाला पॉइंट ऐसे लिख लें आप लोग, मृदा प्रदूषण का पॉइंट ऐसे लिख लें, और ध्वनि प्रदूषण का ऐसे लिख लेंगे आप सब लोग, और पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम। तो देखो पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं यहाँ से लिख लें आप लोग, उसके बाद में सुधार के उपाय ये लिखे हैं, तो ऐसे आप लोग लिख लें। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक ही वीडियो में मैंने यहाँ से आप सभी को पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो उसका पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटा है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग सभी विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग समस्त मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को अच्छे से याद कर लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।